प्रार्थना के बिना कोई व्यक्ति नम्र नहीं बन सकता, बिना प्रभु के चेहरे देखकर प्रभु जैसे स्वभाव में वो तब्दील नहीं हो सकता। प्रार्थना आपको नम्र बनाती है, प्रार्थना आपको दीन बनाती है, प्रार्थना आपके करेक्टर को चेंज करती है, प्रार्थना आपके चरित्र को चेंज करती है, प्रार्थना आपके स्वभाव को चेंज करती है। जो आप पत्नी को हमेशा तू तू करके बोलते हैं, आप प्रार्थना एक घंटा दो घंटा बैठ के आओ प्रभु के साथ, रेल वाली प्रार्थना, आप जी के बिना, रिस्पेक्ट के बिना, गुड वर्ड के बिना उससे बात नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, आपके चरित्र को बदल देती है। जिन बच्चों के ऊपर आप चिल्ला रहे हैं उन बच्चों के लिए परमेश्वर आपके अंदर प्यार भर देगा। जिन जिन दुश्मनों के लिए आप चिल्ला रहे हैं उनके लिए भी प्रभु प्यार दे देगा, आप उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना आपको नम्र बनाती है। आपने किन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है लिखो, सबसे पहले अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना, दूसरा अपने शारीरिक जीवन के लिए प्रार्थना, तीसरा अपने आर्थिक जीवन के लिए प्रार्थना, चौथा दूसरों अपने पड़ोसी के लिए, मतलब दूसरों के लिए प्रार्थना, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना, दूसरे सब आ जाते हैं प्रभु के दास, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना, प्रभु के दासों के लिए अलग, परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना, चर्च की जरूरतों के लिए प्रार्थना, ठीक है फिलहाल के लिए इतना लिखो इसे। हालेलुया, तो जो भी आपका प्रार्थना का टारगेट है, विषय है आपकी लाइफ में, जो भी विषय है उसे चार पार्ट में आप प्रार्थना कर सकते हैं। जो मैं एक तरीका बताता हूँ, आपको जैसा आत्मा अगुवाई करे आप वैसे कर सकते हैं, मैं पर आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ। तो जब आप सबसे पहले प्रार्थना में क्या चीज़ें, चार बातें आपने इस्तेमाल करनी है। आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, मतलब आपने आत्मिक जीवन के लिए संडे हमने प्रार्थना की हीलिंग के लिए, मतलब अपने शारीरिक जीवन के लिए हीलिंग, चंगाई के लिए। तीसरा पार्ट हमारा आर्थिक जीवन, मतलब पैसे वाला जीवन। अगर आपके फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं हैं, आप प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसलिए अपने फाइनेंशियली जीवन के लिए प्रार्थना। तो उसके लिए क्या करना है, मतलब तीसरा पार्ट है फाइनेंशियली जीवन के लिए, आर्थिक जीवन के लिए प्रार्थना। उसमें क्या, सबसे पहले प्रार्थना में चार पार्ट हमने यूज करने। सबसे पहले आपने उस चीज के लिए धन्यवाद करना है जो आपके लिए दिया हुआ परमेश्वर ने आर्थिक जीवन में। सबसे पहले धन्यवाद करना, फिर मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, आप पहले लिख लो। दूसरे नंबर पर आपने विनती करनी है प्रभु के आगे, विनती की प्रार्थना। तीसरे नंबर पर अधिकार के साथ प्रार्थना। चौथे नंबर पर अन्य भाषा के द्वारा प्रार्थना। ठीक है, सबसे पहले मान लो आपके अंदर एक आर्थिक जीवन में आप स्ट्रांग नहीं है, आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, आपके बच्चे को पीआर नहीं मिल रही, आपका बच्चे को फॉरेन में काम नहीं मिल रहा है, आपका फॉरेन का वीजा नहीं लग रहा, आपका कुछ भी, आपका फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपके पास दिहाड़ी नहीं मिल रही, आपको कोई ठेका नहीं मिल रहा है, आपको कोई कस्टमर नहीं आ रहे, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, मतलब आप फाइनेंशियली तंगी में चल रहे हैं। आपकी जरूरतें कुछ है, आप घर बनाना चाहते हैं, आप बाइक लेना चाहते हैं चर्च आने के लिए, गाड़ी लेना चाहते हैं चर्च आने के लिए, लोगों को बिठाकर लेकर आने के लिए, फाइनेंशियली मतलब अगर आप स्ट्रांग नहीं है, उसके लिए आपने सबसे पहले इन चार चीजों को, मतलब आर्थिक जीवन, उसके लिए कैसे प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे धन्यवाद। कभी भी मांगने से पहले धन्यवाद के बिना ना जाना, प्रभु कभी नहीं देगा। प्रभु ने कहा जो तेरे पास है तूने उसका धन्यवाद नहीं किया, मैं तुझे अब जो मांग रहा हूं वो तुझे कैसे दे दूंगा। सबसे पहले आर्थिक जीवन के लिए धन्यवाद। अगर आर्थिक जीवन का टॉपिक है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी आज तक हर आवश्यकता को पूरा किया। मैं जब मसीह में आया था मेरे पास बहुत सारा कर्जा था, 1 लाख का था, पर आज तक 50,000 का उतर चुका है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मेरे पास साइकिल था, आज मेरे पास बाइक आ चुकी, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। कईयों के पास रहने के लिए घर नहीं है, पर मेरे पास घर तो है, चाहे वो पक्का नहीं है, पक्का हो जाएगा। कईयों के पास है ही नहीं, मेरे पास है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। हे परमेश्वर, मेरा बच्चा फॉरेन में है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। कई लोग तरस रहे हैं हमारे बच्चे फॉरेन में चले जाएं, कोशिशें कर रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, मेरे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, पीआर अभी तक नहीं हुई, एक बार हो जाएगी,
फॉरन में तो जा चुके हैं, उसके लिए तेरा धन्यवाद। समझ गए, ऐसा बहुत डीप आगे, मैं ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा। समझ गए, धन्यवाद जो है लिखे, जो आपका वेतन है उसी में संतोष रखो, जो आपके पास है संतोष रखो, आराम रखो, आराम से चलो। आप सोच मेरे हमारे जैसा कोई दुखी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे की पीआर नहीं हो रही, हमारा एक बच्चे के 3 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा, एक बच्चा हमारा फॉरेन में है, उसको काम नहीं मिल रहा है और रो रहे हैं। मैंने कहा आप भी रो रहे हैं, झुग्गी वाला वो भी रो रहा है, पर क्या रह गया, मतलब इतना कुछ आपके पास है आप फिर भी रो रहे हैं, समझ रहे ना। इसलिए मसीह लोगों को मिलता नहीं, इसलिए मैं बेसिक टीचिंग पर जा रहा हूं। तो सबसे पहले धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने मुझे मेरे जीवन में जो है उसके लिए धन्यवाद। प्रभु पास्टर जी प्रे करो, पास्टर जी जॉब ही नहीं, सैलरी नहीं वादी, 7,000 सी 5 साल पहले, आज भी 7,000, 500 बधाई पास्टर जी मसीह, धन्यवाद परमेश्वर मेरे पास 7,000 की जॉब है। कई लड़कियों के पास कई जॉब ही नहीं है, स्कूल में 3,000 को पढ़ा रही हैं, 3,500 को पढ़ा रही हैं, उनको 4,000 मिल रहा है, घरों में काम कर रहे हैं उनको 5,000 मिल रहा है, मुझे 7,000 की एक अच्छी बैठने वाली जॉब सिर्फ लिखना ही है। प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया। तो मतलब जितना डीप इसे ले जाओ अपनी प्रॉब्लम को लेकर। तो सेकंड क्या है उसके बाद, ये हो गई धन्यवाद की प्रार्थना फाइनेंशियल लेवल के लिए। सेकंड क्या है, आपने उसके लिए करनी है विनती। हे परमेश्वर तू जानता है मेरी जरूरतों को, और हर एक प्रार्थना वचन के द्वारा करनी है। हे परमेश्वर तू मेरी जरूरतों को जानता है, मैं तुझसे मांगता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मैं अपने लिए मांगता हूँ परमेश्वर, तूने कहा जिसे जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं तुझे दूंगा। हे परमेश्वर मैं चाहता हूँ मेरे लिए एक अच्छी जॉब मिल जाए। हे परमेश्वर इस मैं मांगता हूँ, इस जॉब में मैं चर्च नहीं जा पा रहा हूँ, बुधवार मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहा हूं, मुझे कोई ऐसी जॉब दे कि मैं बुधवार की मीटिंग भी अटेंड कर पाऊं। हे परमेश्वर बाइबल में लिखा है यहोवा तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे परमेश्वर मेरे लिए अच्छा, मेरे लिए फॉरेन का जो रास्ता कोशिश है जी, मेरे लिए इंतजाम, मेरे लिए सब खुल जाए परमेश्वर। हे परमेश्वर बाइबल में लिखा तू मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गटी नहीं होने देगा। हे परमेश्वर मुझे किसी बात की गटी ना हो, इस महीने में जो पहली तारीख हो चुकी है मुझे कोई पैसे की खाने की किसी बात की गटी ना हो। बाइबल में लिखा है मतलब कर्जे में, हे परमेश्वर तुझसे विनती करता हूँ, बाइबल में लिखा है तुम कर्जे लेने वाले नहीं लोगों को कर्जे देने वाले पैसे बन जाओगे। हे परमेश्वर जो वचन आपका मेरी जीवन में पूरा हो मैं तुझसे मांगता हूँ। बाइबल में लिखा है परमेश्वर जिन्होंने चर्च भवन की हर एक जरूरतों के लिए चर्च में बोया है मसीह यीशु में उनकी हर गट्टी को परमेश्वर पूरा करेगा। हे परमेश्वर मैंने बोने में कभी अपना हाथ पीछे नहीं उठाया परमेश्वर। हे परमेश्वर मैं मांगती हूँ, मैं हर वक्त बोती रही तेरे भवन में, हर जरूरतों के लिए मैंने बोया। हे परमेश्वर आज मुझे काटने की जरूरत है, मेरे बच्चे की जो मैं फॉरेन के लिए फाइल लगा रही हूँ, या मेरे बच्चे के लिए जो गवर्नमेंट जॉब के लिए वो पढ़ रहा है, इसकी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इसके फॉरेन के सब रास्ते खुल जाए पहली बार में। हालेलुया। तो वचनों के द्वारा प्रेयर कर सकते हैं अपने कर्जों के लिए, अपनी जॉब के लिए, वचनों के द्वारा बोलते बोलते। आपके प्रेयर में वचन होने चाहिए। अपना अपना विषय लिखो कि आपका विषय क्या है प्रेयर का, उसका बाइबल में वचन ढूंढो, उस विषय का कौन सा वचन है उसे यूज करो, आपकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाएगी। हालेलुया। बहुत जल्दी वचनों के द्वारा। कई लोग बातों से प्रेर करे, हे परमेश्वर मेरे कर्जे नु दूर कर दे, हे परमेश्वर है ना ओ भैन ने गवाही दी सी ओदे कर्जे दूर हो गए, उन्होंने अजे एक महीना होया, मैनू 6 महीने हो गए, मेरी गवाही प्रभु क्यों नहीं बनती, एक भी वचन नहीं। हालेलुया। अपने इमोशनल नाल इमोशनल प्रेयर, ये परमेश्वर को कभी ये ऐसी प्रेयर हिला नहीं सकती। प्रभु का वचन उसके सामने लिखो, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होएगा, हे परमेश्वर मैं ऐसा कर रही हूं तो अब तुम ही अपना वायदा पूरा कर। पहले बोलते प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा ऐसा हो, प्रभु कहता है तूने माना ही को, तूने पूरा किया उस वचन को, लिखा है अगर तू ऐसा करेगा तो ऐसा करूंगा, अगर ऐसा तो तूने किया ही नहीं, पड़ोसी से तो प्यार किया नहीं, दोष लगाना तूने बंद किया नहीं, पाप को छोड़ा नहीं, लिखे व्यवस्था की जे पुस्तक तेरे चित्त में कभी ना उतरने पाए, इसी में तू दिन रात ध्यान देने रहना, जो कुछ इसमें लिखा है उससे करने की अगर तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल हो गए। एंड में लिखा है तेरे सब काम सफल, प्रभु तूने कहा तेरे सब काम सफल होंगे, मेरा तो कोई काम नहीं सफल हुआ, प्रभु ने कहा उससे पहले क्या लिखा है, अगर इस व्यवस्था की पुस्तक को दिन रात पढ़े तो बाइबल पढ़ते जा रहे, मनन करना उसे अंदर लेना, मनन करे और उस पर चले
तो यहोवा तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। तो इसलिए क्या आपने वचनों के द्वारा प्रार्थना, तो पहली क्या हुई, पहले क्या करना है इसके लिए फाइनेंशियली धन्यवाद, दूसरा क्या करना बिनती, तीसरा क्या करना अधिकार के साथ प्रार्थना। अब आपने बिनती की, क्योंकि यीशु ने हर बात के लिए बिनती नहीं की, यीशु ने डांटा उस चीजों को। हम पिता से मांग रहे हैं, हम बिनती भी कर सकते हैं, अधिकार भी कर सकते हैं। उसने क्या, देखो बाइबल में अगर धन्यवाद देखो ना, यीशु मसीह ने सबसे बड़े मिरेकल करने के लिए धन्यवाद किया, लाजर को जिंदा किया, धन्यवाद पिता तूने मेरी सुन ली, ए लाजर बाहर आ जा, चार दिन का मुर्दा जिंदा बाहर आ गया, 5 रोटी 2 मछलियों के द्वारा उसने 5,000 को जब खिलाना था टोकरी को लिया, हे पिता तेरा धन्यवाद तू सदा मेरी सुनता आया है और आज भी तूने मेरी सुन ली, 5 टोकरियां भर गई 5 रोटी 2 मछली के साथ, 5,000 को खाना खिला दिया, हालेलुया। सबसे बड़े मिरेकल बाइबल में यीशु मसीह ने धन्यवाद करने के बाद किए, हालेलुया, धन्यवाद करने के द्वारा। प्रार्थना में गए, चेलों को चुना, धन्यवाद, हीलिंग करनी रात को दिन रात प्रार्थना, धन्यवाद, हालेलुया। तो धन्यवाद हो गया, बिनती हो गया, अब अधिकार के साथ, हुक्म के साथ। यीशु ने कभी नहीं कहा ए पिता मैं प्रार्थना करदा ए भैन बड़ी दुखी है चो दुष्टात्मा कढ दे, बिनती कोई नहीं की उन्हें, हे परमेश्वर पतरस की सस नू बड़ा बुखार है, पतरस मेरे नाल काम कार करता है, प्रभु बिनती करदा पतरस की सस नू ठीक कर दे, ए मतलब पतरस मेरे नाल किदां होगा, पिछे घर वाला देखी जांदा है, कोई बिनती नहीं की। उन्हें कहा ए जबर उतर जा, ए दुष्ट आत्मा निकल जा, ए कोड़ी जा वैद्यों को दिखा तू चंगा हो चुका है, ए दुष्ट आत्मा ए मिर्गी निकल जा, ए अंधा देखने लग, ए गूंगा बोलने लग, ए बहरे सुनना शुरू कर, ए लाजर बाहर आजा जिंदा होके, हुक्म दिया अधिकार के साथ। तो आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया आपके शब्दों के ऊपर, तो आपने क्या बोलना, हे परमेश्वर तूने मुझे मेरे मुंह के अंदर शब्दों के ऊपर सामर्थ है, हे परमेश्वर मैं अधिकार के साथ प्रार्थना करता हूं कि जो भी मेरी जॉब में, जो भी शैतान मेरी सैलरी को बढ़ने नहीं दे रहा, मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम में मेरे बॉस को यूज कर रहा है, प्रभु अगर जे तेरी ओर से है, अगर जे डिले है, अगर जे परीक्षा है तो तेरी इच्छा पूरी हो, पर अगर जे मेरी सैलरी बढ़ना रुकी हुई है तेरी और शैतान की ओर से है, तो मैं यीशु के नाम में इस शैतानी आत्मा को हुक्म देती हूं मेरी जिंदगी से दूर हो जाए। हे परमेश्वर अगर मेरी मैरिज में देरी तेरी ओर से है, गॉड टाइम है, एक तेरी प्लानिंग है, तो तेरी इच्छा पूरी हो, पर अगर जे मैरिज में देरी डिले शैतान के ओर से है, तो मैं यीशु मसीह के नाम में डांटती हूं, डांटता हूं, मत्ती 4:10 के अनुसार ए शैतान मेरे जीवन से दूर हो जा। तो आप अधिकार के साथ प्रार्थना कर सकते हो, हे परमेश्वर बाइबल में लिखा है तू आशीष देने वाला परमेश्वर है, हर शैतान की आत्मा जो मेरी आशीष को रोक रही है, होली गोस्ट फायर, के परमेश्वर तू हमारी बिनती को सुनने वाला परमेश्वर है, तूने दानियल की प्रार्थना को भी सुन लिया था, पर उसकी उत्तर आ रहा था, पर रास्ते में शैतान का दूत उससे लड़ने लगा, उसके प्रार्थना को रोका और 21 दिन लग गए, लेट हो गई प्रार्थना। हर शैतान की आत्मा जो मेरे पैसे को, मेरी जॉब को, मेरे रिस्पॉन्स को, मेरी पीआर को लेट कर रही है, मेरे फॉरेन के रास्ते को लेट कर रही है, मेरे रिस्पांस को लेट कर रही है, मेरे आईलेट्स में 2-3 बार फेल होना, अगर जे शैतान की ओर से है, अगर जे रुकावट है, जे देरी, जे डिले, जे फेलियर, अगर शैतान की ओर से है, तो मैं यीशु के नाम में हुक्म देती हूं मेरी जिंदगी से चला जाए, तो वो आपकी मानेगा और आप ब्लेस होना शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम में। तो प्रॉब्लम की क्या बात है, आज मसीह लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती, इसलिए मैं चीज को रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। तो उसके बाद अधिकार के साथ आपने हुक्म देना उसे, तो वो जाएगी आपके जीवन से। आज भी हम इस प्रेयर को कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा। तो 34वीं बात क्या करनी है आपने, क्या लिखा चौथी बात, अन्य ने भाषा में प्रार्थना। तो अन्य ने भाषा में प्रार्थना के द्वारा लिखा, जो अन्य ने भाषा में प्रार्थना करते हैं वो अपनी उन्नति करता है। तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम आपको पता नहीं मैंने किस विषय कैसे प्रार्थना करूं। मान लो कोई आपके पास, मान लो आपका कर्जा उतर नहीं रहा, बढ़ रहा है, मान लो आपका, आपके घर में पैसा आ रहा है पर जा कहां रहा है पता नहीं, बरकत नहीं है। मान लो आपके पास, आप बहुत कमाते हैं पर आपका एक्सीडेंट पर लग रहा है, मेडिसिन पर लग रहा है पैसा, कोई भी झूठा केस पड़ गया उस पर लग रहा है, तो आपको नहीं पता कि आपके पीछे
कोई आपका पड़ोसी रिश्तेदार आपके लिए जादू टोना करके बैठा है बाबे चेले के पास जाकर, आपको पता ही नहीं मैं इसके लिए प्रार्थना करूं। पर आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, राभा साखो राथा लभो ऋषि खिता ना मौसो बुखा, आपको नहीं पता, आपको भी नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं, शैतान को भी नहीं पता क्या बोल रहे हैं, पर परमेश्वर ही समझता है। परमेश्वर लगाता है शैतान के जुत्तियां और वो जाता है जादू टोना और आप आशीष होते हैं यीशु के नाम में, हालेलुया। तो इसलिए कुछ अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है, आधे आधे घंटा, सिर्फ आधा घंटा बोलो अन्य भाषा में प्रार्थना, कोई धन्यवाद नहीं, कोई वर्शिप नहीं, कोई कुछ नहीं, अन्य अन्य भाषा में आधा घंटा 15 मिनट लगातार नॉन स्टॉप आप प्रेयर करें, तो जी आपका एक बेसिक इससे स्टार्ट करो। आज चर्च की मेन प्रॉब्लम क्या है, गैदरिंग बढ़ती जा रही, लोग बढ़ते जा रहे हैं, पर लोगों को 2-2 साल हो गए उनको प्रार्थना नहीं करनी आती, मतलब कोई प्रार्थना ही नहीं करनी आती आज तक, दोगे तो कितना मसीज तुम कुछ ले लोगे, प्रार्थना तो बिना सब तो बड़ा पार्ट है ही प्रार्थना है, प्रार्थना बाइबल समझने के लिए प्रार्थना, पवित्रता चलन के लिए प्रार्थना, बहुत सारे पार्ट अगर तो प्रार्थना तो शुरू होंगे, तो वही चीज है नहीं कि कलीसिया उत्ते उन्होंने प्रार्थना ही नहीं करनी आती। अगर मैं बोलूंगा ठीक है भैंडा मिलकर नशे वाले लिए प्रार्थना करते हैं, आती नहीं, ये भैंडा मिलकर प्रभु ने दासा लिए प्रार्थना करते हैं, आती नहीं, थानू पता जो ताड़ी आशी ताड़े उत्ते प्रभु ने ठहराई है बिना प्रार्थना तो थानू मिलनी नहीं, प्रभु ने ताड़े सब कुछ ठहराया, इन्हें मैं 1 महीने बाद आ करांगा 2 महीने बाद आ सोच के रख्या होया, प्रार्थना नहीं करूंगे वो अगे जाता रहेगा, ये चीज है प्रार्थना। तो इसलिए क्या है प्रार्थना तो बिना तू यूज नहीं कर सकते अपनी लाइफ नू, हालेलुया। तो इसलिए प्रार्थना लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। एक बार अपने हाथों को उठाओ, सब जन प्रेयर करो, बोलो परमेश्वर आज के वचन के लिए धन्यवाद, आज की शिक्षा के लिए धन्यवाद, आज की प्रार्थना के लिए धन्यवाद, बोलो परमेश्वर मुझे प्रार्थना में बढ़ा, अपने चरित्र में बढ़ा, धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे अविश्वास का उपाय कर, हमारे शक को दूर कर जो हमारे चमत्कार को रोक रहा है, बोलो परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ा, बोलो थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम में मांगते सब बोलो आमेन आमेन आमेन।